ड्रग्स आता है, यहाँ अफीम की खेती होती है, पूरे मणिपुर के युवा वर्ग को नशेड़ी बना दिया गया है, भंगड़ बना दिया गया है, और ऐसी दशा में विचारहीनता आ जाती है, और विचारहीनता में राजनेता जैसा चाहे वैसा करवा सकते हैं। बिल्कुल झूठी बात को कोर्ट का निर्णय बता करके एसटी का दर्जा दे दिया गया, पूरे मणिपुर को जलाकर ध्वस्त कर दिया गया। अप्रैल जलता रहा, मई जलता रहा, जून जलता रहा, जुलाई चला गया, और अब आकर आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। नमस्ते मित्रों, आजकल पूरा देश एक भयंकर पीड़ा के दौर से गुजर रहा है। भारत का एक राज्य मणिपुर बुरी तरह जल रहा है, बुरी तरह दंगों से प्रभावित है, सारा समाज तितर बितर हो गया है मणिपुर का, और ऐसी भयंकर आग लगी पड़ी है जिसमें संबंध रिश्ते कोई मर्यादा नहीं बची है। एक घटना बहुत भयानक घटी जिस समय राजनीति के लोगों के लिए अच्छी सब्जी और खिचड़ी बनाने का काम कर रही है। राजनीतिक लोग इसमें अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपनी सब्जी बना रहे हैं, अपने लिए खाना तैयार कर रहे हैं। वहां जो समुदायों के बीच में आपस में लड़ाई हुई है मणिपुर में, उसमें दो तीन स्त्रियों को नग्न करके उनका प्रदर्शन किया गया है, और उनमें से कुछ का पहले रेप किया गया है। और इस घटना में 12 से 14 दिन लगे जब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, बल्कि कहा तो ये भी जा रहा है कि पुलिस से छीन कर ही उन स्त्रियों के साथ ये गंदी घटना को अंजाम दिया गया। संसार में कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संवेदनाशील है, जिसके भीतर संवेदना है, वो इस बुरी घटना का समर्थन नहीं कर सकता। ये निहायत निंदा तो बहुत छोटा शब्द है, ये भर्त्सना के लायक घटना है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, लेकिन मणिपुर में संप्रदायों की आपस की घटना में, समुदायों की आपस की झगड़े में स्त्रियों को, एक दूसरे की स्त्रियों को निशाना बनाया जा रहा है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी इस पर लानत भेजी जाए, उतना कम है। और इन दोषियों को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी पकड़कर वहां की पुलिस दंडित करे, वहां की सरकार दंडित करे, अन्यथा तो ऐसी सरकारों और ऐसी पुलिस को दंडित किया जाना चाहिए जो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं पुरजोर यहां अपना विरोध दर्ज करवाता हूं कि ऐसी घटना के लिए जितना हो सके उसकी भर्त्सना हो। ये लोग स्त्रियों को नहीं छोड़ रहे, बच्चों को नहीं छोड़ रहे। कौन से दर्जे के लोग हैं, किस स्तर के लोग हैं, क्या तुम्हारा आंदोलन है, क्या तुम इससे साबित करना चाहते हो? तुमने पूरी मानवता को कलंकित किया है। जो मानव है, जिनका हृदय संवेदनशील है, वो वास्तव में आज इस पीड़ा से बुरी तरह उनका हृदय रुदन कर रहा होगा जो घटना घटी। अब समस्या यह है कि इस घटना के बाद अब राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं राजनीतिज्ञों के द्वारा। अप्रैल में मणिपुर जल उठा, मई में यह घटना घटी, जून गया, जुलाई जाने को है, और अब आकर जब वो घटना पहले से उद्घाटित है, ऐसा भी नहीं है कि घटना उद्घाटित नहीं है, लेकिन राजनीतिज्ञों को अब लगता है कि यहां से इलेक्शन मोड में हम आ गए हैं, इसलिए इलेक्शन मोड में इसे ले लेना चाहिए। सब पार्टियां इसी काम को कर रही हैं, सबकी यही राजनीति है, सब यही कर रहे हैं। मित्रों बंधुओं, बहुत सारे दिन से आप इस परिदृश्य को देख रहे हैं, मैं स्वयं भी इस परिदृश्य को देख रहा हूं। कई एक युवकों के मेरे पास फोन आए, आज ही एक बहन है सविता बहन, उनके माध्यम से मेरे पास एक युवक का फोन आया, और वो युवक यहाँ उत्तर प्रदेश का युवक बुरी तरह रो रहा है, और वो कह रहा है कि मैं सारी रात सो नहीं पाया हूँ, दो दिन से इतनी भयंकर घटना ये घटी है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत बेचैन हूँ, क्या मैं मणिपुर चला जाऊँ या मैं यहीं से कोई विरोध आंदोलन प्रारंभ करूँ, क्या करूँ? ऐसे कितने युवक देश में होंगे जिनकी ये दशा होगी। लेकिन मैं अपने युवकों को छोटी सी घटना, छोटी सी चीज इस घटना के बारे में बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा परिदृश्य इस घटना के बारे में बताना चाहता हूँ, तनिक मणिपुर को समझने का प्रयास करो। मैं छोटा था तो जेएनवी में पढ़ता था, जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ता था, और वहां से हमारा वाला बैच मणिपुर गया था, तो मणिपुर से एक दूर का जुड़ाव कहीं अनुभव होता है। मणिपुर में तीन समुदाय विशेष रूप से रहते हैं। एक मैतेई समुदाय है जो पूरी तरह हिंदू समुदाय है, एक कुकी है और एक नागा है। पहले नागा और कुकी में आपस में भयानक विद्वेष रहा है और इनके बीच में दंगे हुए हैं, एक दूसरे की हत्याएं नागा और कुकी ने भी की है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं जो स्वयं को आदिवासी कहते हैं कि हम आदिवासी जनजाति के लोग हैं। दूसरे मैतेई हैं जो हिंदू हैं, हालांकि आज तो सेंसस के आधार पर इनमें भी कुछ 2-4% मुसलमान बताए जाते हैं, लेकिन ये अप्रोक्स पूरे के पूरे हिंदू हैं, कृष्ण के उपासक हैं मैतेई लोग, इनकी भाषा भी मैतेई है और ये मैदानी इलाकों में रहते हैं। अब इनके साथ समस्या क्या है कि ये इनका डेमोग्राफिक पोजीशन समझिए, मणिपुर की टोटल आबादी लगभग 28,55,000 के आसपास, यानी 28.5 लाख के आसपास मणिपुर की आबादी है टोटल। इस आबादी में से जो सेंसस बताता है वो 60% बताता है कि मैतेई है, और 40% दूसरा समाज है यानी नागा और कुकी है। नागा और कुकी में धर्मांतरण बहुत तेजी से हुआ है, इसलिए वहां ईसाईकरण का बोलबाला है नागा और कुकी में। अब जो 60% यानी बहुसंख्यक समाज है, जो मैतेई समाज है, उस मैतेई समाज के पास केवल 10% भूमि है। वो जो लैंड होल्ड करता है वो केवल 10% लैंड होल्ड करता है, इसके मुकाबले जो नागा और कुकी है वो 90% लैंड होल्ड करते हैं। और पुराने कानून के हिसाब से, 1873 के कानून इस देश में काम करते हैं, उस समय के कानून से लेकर
अब तक ये विधान वहां बना हुआ है कि जिनके पास 90% भूमि है वो 10% वालों की भूमि खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेकिन ये 10% वाले पहाड़ी इलाकों में जाकर उनकी जमीन नहीं खरीद सकते हैं। ये इतने लाचार हैं, इनकी आबादी ज्यादा, दूसरी है। तीसरा एक और चीज समझिए कि उस इलाके में रोहिंग्या मुसलमान जो म्यांमार से भागकर आए हैं और बांग्लादेशी मुसलमान, इनकी आबादी बहुत ज्यादा है। एक बार चित्र में आप देखिए तो मणिपुर किस जगह है, ये देखिए, ये पूरा पूर्वोत्तर का इलाका है और इस पूरे पूर्वोत्तर के इलाके में यहां पर मणिपुर है। मणिपुर बिल्कुल चीन बांग्लादेश इन सीमाओं के बिल्कुल लगा हुआ है, सबसे बाहर का क्षेत्र है, इसलिए यहां घुसपैठ होना बहुत सरल है। तो बांग्लादेश से घुसपैठ लगातार होती है, म्यांमार से जो मुसलमान पिटकर आते हैं रोहिंग्या वो यहां है, और यहां उन रोहिंग्याओं ने और बांग्लादेशियों ने बुरी स्थिति कर दी है। आज की अगर परिस्थिति देखें, जो दंगा दिखाई दे रहा है और जो फुटेज वहां के कैमरे पकड़ रहे हैं, उन फुटेज में जो वहां दंगाई लोग हैं उनके पास AK-47 AK-56 मशीन गन है, लाइट वेट मशीन गन है, इसके अलावा उनके पास 303 की बंदूकें हैं। ये अत्याधुनिक हथियार इन लोगों के पास कहां से आए, ये विचारणीय प्रश्न है। अब इस पूरे डेमोग्राफ को देखिए, 60% मैतेई है, 40% के आसपास घुसपैठिए और नागा और कुकी मिला के बनते हैं, उनके पास 90% भूमि है, इनके पास 10% भूमि है। अब मैतेई अपनी जमीन को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि इनके पास जमीन खरीदने का अधिकार नहीं कि पहाड़ी क्षेत्र में जाकर जमीन खरीद सकें, जबकि उनके पास अधिकार है कि वे ये जमीन खरीद सकते हैं। अब सुनिए झगड़ा कहाँ शुरू होता है। झगड़ा शुरू हुआ अप्रैल में, जो बहुत लंबे साल से, मतलब आज से नहीं, 1949 से पहले इन्हें ST का दर्जा प्राप्त था, 1949 के बाद इनके पास ये ST का दर्जा नहीं है। तो बहुत लंबे काल से मैतेई लोग ये आंदोलन कर रहे हैं कि हमें ST का दर्जा दिया जाए। अप्रैल में याचिका डालने पर हाईकोर्ट ने कहा कि भाई सरकार निर्णय करे कि इनके संबंध में डिसीजन लिया जाए, इस ST दर्जे के संबंध में डिसीजन लिया जाए। और उन्होंने कहा यह बहुत लंबा काल हो गया है, इसलिए 4 हफ्ते के अंदर डिसीजन ले, ये कोर्ट का आदेश है। लेकिन वे कौन लोग हैं जिन लोगों ने नागा और कुकी समुदाय के बीच में यह बात फैला दी कि ये डिसीजन हो गया कि उन्हें ST का दर्जा मिल गया, उसके बाद दंगा फैल गया। नागा और कुकी ने मैतेई समुदाय पर हमला कर दिया, उनके घर जला दिए, उनके मठ जला दिए, मंदिर जला दिए, उनके धार्मिक संस्थान जला दिए, उनके बच्चों और स्त्रियों के साथ झगड़ा किया। फिर उसके बाद मैतेई समुदाय बिगड़ गया, मैतेई समुदाय नागा और कुकी पर वापस हमले करने शुरू किए और एक भयानक दंगा फैल गया जिसमें मणिपुर जल उठा। इन लोगों की पहचान होनी चाहिए, क्या ये लोग विदेशी हैं, क्या ये पाकिस्तानी लोग हैं, बांग्लादेशी हैं या चाइनीज़ हैं जहाँ से इन्हें सपोर्ट मिल रहा है, या फिर कुछ देशी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनका ईसाई धर्मांतरण में रुचि है, क्या कोई ऐसी पार्टी तो नहीं है जो स्वयं ईसाई विचारधारा की पार्टी हो और देश में ईसाइयों को बढ़ावा देना चाहती हो, कहीं ये दंगा ऐसी ही ईसाई पार्टियों के द्वारा तो बढ़ाया गया ही नहीं है। बिल्कुल झूठी बात को कोर्ट का निर्णय बता करके ST का दर्जा दे दिया गया, पूरे मणिपुर को जलाकर ध्वस्त कर दिया गया। अप्रैल जलता रहा, मई जलता रहा, जून जलता रहा, जुलाई चला गया और अब आकर आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं उन युवकों से कहना चाहता हूं जो बहुत संवेदनशील हैं कि सारे परिदृश्य को बड़ी ध्यान से देखो, ये तुम्हारे देश का, तुम्हारे राष्ट्र का परिदृश्य है। ये परिदृश्य केवल मणिपुर में नहीं घट रहा है, ये परिदृश्य उत्तर प्रदेश में भी घट रहा है। दंगा कब होता है कब नहीं होता है ये एक दूसरा विषय है, लेकिन ये परिदृश्य उत्तर प्रदेश में घट रहा है, ये परिदृश्य बिहार में घट रहा है, ये परिदृश्य बंगाल में और केरल में घट रहा है, ये परिदृश्य इस देश के बहुत सारे प्रदेशों में घट रहा है। अगर हमने जल्दी ही इस धर्मांतरण पर, इस नशे पर, आप जानते हैं मणिपुर में अफीम की खेती होती है, ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, क्योंकि किनारे का राज्य है तो बाहर से ड्रग्स की स्मगलिंग होना आसान है, ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, देश के भीतर ड्रग्स आता है, यहाँ अफीम की खेती होती है, पूरे मणिपुर के युवा वर्ग को नशेड़ी बना दिया गया है, भंगड़ बना दिया गया है, और ऐसी दशा में विचारहीनता आ जाती है और विचारहीनता में राजनेता जैसा चाहे वैसा करवा सकते हैं। इसलिए युवा मित्रों से एक बात कहना चाहता हूं कि बिना भावुक हुए, बिना सेंटिमेंटल हुए, बिना विचलित हुए इस सारे परिदृश्य पर नजर रखो, अपनी तरफ से प्रयास करो, सोशल मीडिया पर ऐसी कोई वीडियो शेयर मत करो जिस वीडियो से दंगा हो सकता है। प्रयास करो, कुछ लोग यदि अपने लोगों को समझाने का प्रयास कर सके तो वो अपने लोगों को समझाएं, लेकिन कहीं भी दंगा फैलने से रोकें। इससे एक और सबक लेने की ज़रूरत है, जब भीड़ चलती है तो उस भीड़ में अगर कोई आंदोलन चल रहा है तो उस आंदोलन में अगर 99% अच्छे लोग हैं तो 1% खराब लोग भी हो सकते हैं, जैसे दिल्ली के चारों तरफ किसान आंदोलन हुआ था। क्या लेकिन क्या इसी किसान आंदोलन में वो लोग नहीं थे, वो खालिस्तानी नहीं थे जिन खालिस्तानियों ने एक दलित को उल्टा टांग कर उसके अंग अंग करके टुकड़े टुकड़े कर दिया था? आज जो राजनीतिक पार्टी रोटियां सेक रही हैं अपनी, वो राजनीतिक पार्टियां उस समय कहां थी जब उस दलित के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे? मैं ये कह रहा हूं जैसे वहां आंदोलन में कुछ गुंडे बदमाश घुस गए थे, वैसे ही यहां भी इस आंदोलन में कुछ दंगाई घुस गए होंगे और वो दंगाई भरसक बुरा हाल करेंगे। मैं सरकार से भी एक अपील करना चाहता हूं,
ऐसी पुलिस जो इन गंदे अपराधों को बढ़ावा देने में सहायक है, ऐसी पुलिस जो रिपोर्ट लिखने में देर करती है, ऐसी पुलिस जिसके कारण ऐसी गड़बड़ी होती है, क्या ऐसे पुलिस या अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ये कार्रवाई केवल इतनी तक होनी चाहिए कि वो लाइन हाजिर हो जाएं, कुछ दिन के लिए सस्पेंड हो जाएं और फिर से बहाल हो जाएं? इनके प्रति यदि आपने कठोर कानून नहीं बनाए, इनके खिलाफ यदि आपने कठोर कदम नहीं उठाए, तो देश और समाज इसी तरह जला करेंगे। किसी भी देश को कठोर कानूनों के आधार पर ही समुचित और समुन्नत रखा जा सकता है, अन्यथा देश की दुर्दशा होगी। मित्रों, आज ये पीड़ा का काल है, पीड़ा के काल में मिलकर रहें, आपस में विद्वेष ना फैलाएं, किसी राजनीतिक तंत्र का शिकार ना हो। बहुत धन्यवाद, आप सभी को सादर प्रणाम।